अस्सलाम वालेकुम बेबस, क्या हाल? ठीक हो? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अभी हम उठे हैं तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो आज मैंने कहा चलो नाश्ता कर लो, नाश्ता करके फिर हम सोच रहे हैं आज बड़ी बाजी के घर जाते हैं। वो मेरे पीछे 3-4 दफ़ा आई है, तो जब भी आती है ये ज़रूर कहती है तू मेरे घर एक ही दफ़ा आई है, दूसरी दफ़ा नहीं आप आई। फिर मैंने बच्चे से कहा चलो कपड़े कपड़े इस्त्री करो, तो फिर उसके घर चलते हैं। बाजी घर गई हैं, जो थोड़ी देर के लिए हम फिर बाज़ार जाएंगे। बच्चों के पैम्पर नहीं है, पैम्पर बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, क्यों दोनों को लगते हैं ना बहन भाइयों को। तो माँ मेरी बेटी ने जर्सी लेनी है, साथ जर्सी भी ले लेंगे तो पैम्पर भी ले लेंगे, तो अब चलते हम। तो देखो हम बाजी के घर आ गए हैं, तो मेरे को देखो कैसे देख रही है, सबकी तरफ देख रही है। बीन के घर माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे इतने हैं बाजी के घर, तो ये सबको देख रही है। राहिब है, राहिब तो 2-3 घंटे हो गए बिल्कुल नहीं बैठा, बच्चों के साथ ये इतना खेला है तो खाना भी नहीं खा रहा है ये, बल्कि बस खेलन में इसने तवज्जो की हुई है। ये बेड पे नाच रहा है, देखो ये बेड पे नाच रहा है। ये बाजी के ड्रेसिंग के पास खड़ा हो गया है, खाना नहीं खा रहा, बस ऐसे घूम घूम के ही। तो मैंने इसको थोड़े से चावल दिए थे, इसने नहीं खाए, फिर इसको थोड़ी देर कर रहा खाने को। तो ये मेरी तरफ देख रहा है, अभी मामा मुझे खाना दे रहे थे, नहीं मैं खा रहा। ये मेरी बाजी का घर है, देखो ये आया मेरे पास, फिर मेरे पास ही है ना ये, ऐसे नहीं करते। ये देखो बाजी ने खाना बनाया, कहती है मैं सालन भी बनाती हूँ। मैं कहा बाजी गैस तो चला जाता है, कोई बात नहीं, ये आप बना लो चावल। बाजी घर गए थे तो बाजी हमें जाने आने नहीं दे रही थी, कहती एक रात तो मेरे घर रहो। मैं कहा बाजी छोटे छोटे बच्चे हैं नहीं रह जाता, तो कहती फिर आप ही रह जाओ। मैं कहा फिर कभी सही, फिर मैं कहा हफ्ते बाद आऊँगी, फिर शायद मैं रात रह जाऊँ, तो मेरी बेटी फिर अपने घर रह लेगी। तो फिर हम बाजी घर से बाज़ार भी गए थे, तो बाज़ार से हम आए हैं। तो ये देखो चीज़ें लाई हैं मैं, देखो मानो ने ये जर्सी ली है अपनी, क्यों इसकी जर्सी है लाहौर में पड़ी हुई है मानो की। तो फिर सर्दी लग रही थी, उसके मियाँ ने पैसे दिए हैं, कहते जाओ अपने लिए जर्सी लेकर आओ। ये देखो कितनी प्यारी जर्सी है, ये मानो ने ली है। तो राहिब कहते हैं मैं मेरे भी कपड़े लो, फिर ये राहिब की ली है, फिर जब दिखा दूँ। ये देखो ये राहिब की ली है, ये पैंट के ऊपर पहनेगा राहिब। राहिब तो जब भी बाजार जाएगा ना ये अपना रोला डाल देता है, अभी मैं ये राहिब के लिए ली है। फिर पैम्पर नहीं थे, पैम्पर ये ली है बच्चों के, वो बच्चे क्यों सुबह शाम दोनों बहन भाई लगाते हैं, सुबह को फिर रात को लग जाता है इनका। राहिब ये भी दिखाओ, ये तो आपके अभी उतारे हैं, ये वो कपड़े हैं, ये नहीं दिखाते, ये दिखाते हैं देखो, ये पारे आपके, इसमें डाल दो, ये आपके हैं। पैसे किसने दिए थे? पापा ने दिए थे। नहीं ये भी नहीं दिखाते, ये घर की चीजें ये नहीं दिखाते, ये हम जो बाजार से शॉपिंग की है ना वो दिखाते हैं। ये देखो भी राहिब के पैम्पर है, कहते मेरे पैम्पर दिखाओ, ये आपके पैम्पर है। सराना नहीं दिखाते, ये आपका पैम्पर है। ये देखो राहिब, इसको खाना मैंने दिया था, रोटी खाकर देखो छाबी से खेल रहा है, इसकी हरकतें देखो राहिब की, बिल्कुल नहीं देता ये। देखो जो छाबी से पकड़ी हुई है भाई, ये देखो इसका हाथ पे लग जाएगी, टूटी हुई है। अब मेरे पैसे ले लिए हैं, मैंने कहा ये मेरे पैसे हैं, कहता है पापा मेरे पापा ने दिए हैं, दे कहता है मेरे पापा ने दिए हैं, पैसे हैं मेरे। राही मेरे पैसे दे दो, ये मेरे हैं, हाँ ये सारे मेरे हैं, पैसे दो दे दो बेटे, सारे दो, सारे मेरे हैं, हाँ और भी दो, सारे मेरे हैं, दे बेटे। ये राहिब क्या है, क्या करूँ, ये दिखाऊँ, ये देखो ये राहिब की मामा की शादी का बेड है, ये कहता है हमारा बेड भी दिखाओ, चलो दिखा दिया, आज खुश हो गए हो। अब ये दिखाऊँ, देखो फिर बार बार कह रहा मेरे पैम्पर दिखाओ, ये देखो ये राहिब के पैम्पर है, आज अब क्या दिखाऊँ, नहीं ये ओमन भी दिखाती है कोई, ये देखो मेरा बेटा कहता है ओमन भी दिखाओ, कभी कहता है बेड दिखाओ। अच्छा कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।